Good morning, students. Welcome in our online classes. It's your math class. So, students, अपने पिछले वीडियो में हमने पॉइंट और लाइन की डेफिनेशन रीड की थी. तो आज हम अपनी बुक का पेज नंबर 24 पे लाइन सेगमेंट और रे की डेफिनेशन रीड करेंगे. तो स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम रीड करेंगे डेफिनेशन ऑफ लाइन सेगमेंट. अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज़ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. रिपीट अगेन. अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज़ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट हमारे पास क्या होता है? लाइन का एक पार्ट होता है. लाइन सेगमेंट हमारे पास लाइन का एक पार्ट होता है जिसके हमारे पास टू एंड पॉइंट्स होते हैं. कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? टू एंड पॉइंट्स होते हैं. यानी कि एक ऐसी लाइन जिसका हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी हो और उसका एंड पॉइंट भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट. अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ. लाइन सेगमेंट की हमारे पास एक फिक्स्ड लेंथ होती है. सो इट कैन बी मेजर्ड. तो हम उसे क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं. क्योंकि लाइन सेगमेंट का हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है, इसीलिए इसकी लेंथ जो है उसको हम मेज़र कर सकते हैं, उसको हम माप सकते हैं. जैसे नीचे हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है. एक हमारे पास लाइन है सी डी. उसका हमें जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है? सी. और उसका एंड पॉइंट क्या है? वो है डी. वैसे तो ये एक लाइन है लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट सी है और एंडिंग पॉइंट डी है. मतलब कि इसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी मालूम है और एंडिंग पॉइंट भी मालूम है. तो ये क्या हुई? हमारी लाइन सेगमेंट. रिपीट अगेन. लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन होती है जिसका हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और उसका हमारे पास एंडिंग पॉइंट भी होता है, इसीलिए उसकी जो लेंथ है उसको हम मेज़र कर सकते हैं. उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ रे. रे क्या होती है? अ रे इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ लाइन. जो रे होती है वो भी लाइन का ही एक पार्ट होती है. इट हैज़ अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट. इसका हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि वो लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास होता है. एंड एक्सटेंड्स विदाउट एंडिंग इन द अदर डायरेक्शन. एंड वो एक्सटेंड हो रही है, आगे आगे बढ़ रही है विदाउट एंडिंग पॉइंट. मतलब कि वो आगे बढ़ रही है, उसका हमारे पास एंडिंग पॉइंट नहीं होता है. अरे डज नॉट हैव अ फिक्स्ड लेंथ. रे की हमारे पास कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है. इट सो इट कैनॉट बी मेजर्ड. तो इसीलिए हम इसे मेज़र नहीं कर सकते. क्योंकि रे का हमारे पास एक ही पॉइंट होता है. रे का हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता कि वो कहाँ पे जाके एंड हो रही है, इसीलिए उसकी हम लेंथ जो है उसको मेज़र नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास एक पी क्यू लाइन दी गई है. यहाँ पे हमारे पास जो P है वो फिक्स्ड पॉइंट है. वो क्या है हमारे पास? फिक्स्ड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है P हमारे पास. P से वो लाइन हमारे पास स्टार्ट हो रही है. लेकिन नेक्स्ट उसका जो हमारे पास Q पॉइंट है, Q पॉइंट के राइट हैंड साइड हमारे पास एरो दिया गया है. एरो का मीनिंग है कि जो वो लाइन है वो Q के बाद एक्सटेंड हो रही है. Q उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है. Q के बाद भी वो आगे बढ़ रही है. रिपीट अगेन. रे हमारे पास लाइन का एक पार्ट होती है. वो लाइन जिसका हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट तो हो लेकिन एंडिंग पॉइंट ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं. और रे की हमारे पास कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है. रे को हम मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि रे का हमारे पास एक ही फिक्स्ड पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, और उसका एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता कि वो कहाँ जाके ख़त्म हो रही है, इसीलिए हम उसे मेज़र नहीं कर सकते, हम उसे माप नहीं सकते. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स. स्टे होम, स्टे सेफ.